आज के समय डिस्काउंट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और ये डिस्काउंट चैप्टर का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं इसका 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, उन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 9। इसके पहले जो 8 टाइप के क्वेश्चन है मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत सोल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो में आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते टाइप 9, इस वीडियो में क्या कराऊंगा, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो टाइप 9 है शुरू करने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है जो टाइप 9 है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख कर भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं यहां पे लिख दू सीपी, लिख दू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं, और यहां पे मैं मार्केटिंग प्राइस लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर जैसे मैं मान लू कोई वस्तु है और इसका प्राइस कितना है, 1000 रुपए है, और इस पर मैंने क्या कर दिया, 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। इस वस्तु पर मैंने क्या कर दिया, 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। अगर 20% मैंने बढ़ाकर अंकित किया, कितना बढ़ा दिया, 20% मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 20% अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपए आए कि नहीं। अगर इसका 20% निकालेंगे तो 200 आएगा, यानी 200 रुपए में क्या करा, उसका मार्क प्राइस जो है उसको बढ़ाकर लिख रहा हूं, यानी कितने रुपए मैंने मार्कअप किया, तो 1200 रुपए उस वस्तु को मैंने मार्कअप किया, यानी मार्केट प्राइस मैंने कितना लिख दिया, 1200 रुपए, क्लियर। अब ये जो 1200 रुपए है, अब इस पर मैं क्या कर दू, कुछ डिस्काउंट दे दू, यहां से मैं क्या करूं, इस पर डिस्काउंट दे दू, और डिस्काउंट में कितना दे दू, 10% का डिस्काउंट दे दू। डिस्काउंट में कितना दू, 10% का, आप यहां से लिख सकते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट को डी कर लीजिए या आप इसी तरह से रहने दीजिए, डिस्काउंट परसेंट, क्लियर है। तो अगर आप इसमें 10% डिस्काउंट देंगे, इस पे मैं क्या कर दू, 10% डिस्काउंट दे दू, तो ये तो जो मार्केट प्राइस, यानी जो जो मार्केट प्राइस है, ये तो अपने आप पे 100% है। अगर इसमें 10% का डिस्काउंट दे दूंगा तो दाम कितने का लूंगा, 90% का। अगर आप इसका 90% निकालेंगे तो 90% कितना आ जाएगा, 1080 आएगा। जब इसका 90% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1080 आएगा कि नहीं आएगा, बटे 100, ये 00 से 00 कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 1080 है, क्लियर है। अब यहां से देखिए तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए की चीज को इसने क्या कर दिया, इतने रुपए अंकित किया था 1200 रुपए, और इस पर ये डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, 10% डिस्काउंट के साथ वस्तु को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है। अगर देखा है तो इसे वास्तविक लाभ कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 1000 रुपए की चीज 1080 में बेच रहा है, तो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 1000 पर हुआ। इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो 100 से क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, तो ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, तो उसे प्रॉफिट कितने के परसेंट का होगा, यहां से तो आप बताएंगे कि उससे प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 8% का प्रॉफिट हुआ। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आप यहां पे लिख सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने इसमें क्या बताया, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर मैंने आपको ये बताया अगर किसी वस्तु का प्राइस कितना, 1000 रुपए, अब इसको मैं क्या कर दूं, 20% बढ़ाकर मार्कअप कर दूं, यानी मार्केट प्राइस क्या कर दूं, 20% बढ़ाकर मार्कअप कर दूं, तो यहां से जब 20% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपए ये है। अब ये मार्केट प्राइस पर मैंने क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट के साथ वस्तु को मैंने बेच दिया, तो वस्तु में बिका कितना, तो आप बताएं कि इतने में बिका, क्लियर है। अब यहां से देखा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 1000 पर, तो आप कहेंगे कि उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहां से ये सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि अगर आप क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस है इस पर डिस्काउंट देंगे, इस पर क्या करेंगे आप, डिस्काउंट देंगे, और यहां से जो सीपी है इस पर जो प्रॉफिट होगा, दोनों ही क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है। देखिए फिर से बता रहा हूं कि जो मार्केट प्राइस पर अगर आप जो डिस्काउंट देंगे और जो सीपी पर जो प्रॉफिट है, ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, दोनों से ये विक्रय मूल्य है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस से ये किसके बराबर होगा, तो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, क्लियर है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मार्कअप परसेंटेज बराबर
प्रॉफिट परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां से ये क्लियर हो गया नहीं? हमने यहां से ये सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि जो सीपी पर प्रॉफिट कमाए, कमाने के बाद यानी सीपी पर जो प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया, कमाने के बाद और जो मार्केट यानी मार्केट प्राइस का जो डिस्काउंट दिए वो दोनों के समान है। हमने यही तो सीखा, सीपी पर जो प्रॉफिट कमाए और जो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया ये दोनों के सेम है। तो आप यहां से लिख सकते हैं क्या? आप यहां से लिख लीजिए अतः करके, अतः सेलिंग प्राइस तो दोनों के सेम है कि नहीं? सेलिंग प्राइस ही तो आ रहा है। अगर यहाँ पे जो सीपी पर प्रॉफिट कमाऊं तो भी यहाँ से डिस्काउंट, सॉरी सेलिंग प्राइस आएगा। अगर मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दूंगा तो भी ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये सेलिंग प्राइस क्या सेम है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या ले सकते हैं आप? सेलिंग प्राइस बराबर आप क्या ले सकते हैं? सीपी पर क्या ले सकते हैं? सीपी पर प्रॉफिट। तो सीपी इंटू क्या हो जाएगा? ये सीपी तो अपने आप में 100% है। आप इस पर प्रॉफिट लिखेंगे ना, तो यहां से 100 प्लस क्या करेंगे आप? प्रॉफिट आप लिख लेंगे। यहां से सीपी क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट आप लिखेंगे। क्लियर है? अब इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं? एसपी के बराबर ही तो ये है। अब इस यहां से आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप ये चीज लिख सकते हैं क्या? देखते रहना, एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस भी तो अपने आप में ये 100% है। अब इसमें देखिए मैंने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो आप यहां से लिखेंगे क्या? 100 माइनस, अब इसमें से क्या करें? ये डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे और ये डी प्रतिशत। ये दोनों ही तो आ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में सेलिंग प्राइस आ रहे हैं। जो हम लोग यहाँ पे सीपी पर प्रॉफिट कमा रहे हैं ये, और ये जो मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में सेलिंग प्राइस आ रहा है कि नहीं? तो कह सकते हैं दोनों ही सेलिंग प्राइस के ये इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? इनको इक्वल कर लिया। इतना क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पे सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सीपी बटे इधर करिए एमपी यानी मार्केट प्राइस, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको मैंने इधर ला दिया, तो यहां पे भी ये बचा है ना, तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये नीचे आएगा, ये वाला कहां जाएगा? ये बटे में हो जाएगा। तो 100 प्लस क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट या लॉस भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस ये परसेंटेज परसेंटेज करके लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया? फार्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में ये डिस्काउंट डिस्काउंट दिया हो और ये प्रॉफिट दिया हो, तो आपसे पूछेगा क्या? सीपी से एमपी का रेशियो। तो आप इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? सीपी और एमपी के बीच में आप रेशियो पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं, सीपी से एमपी के बीच में रेशियो लाऊं, तो वैसे तो मुझे पता है कि रेशियो क्या आएगा इन दोनों के बीच में लगाने के बाद, लेकिन अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो देखिए रेशियो क्या आता है। तो सबसे पहले आप यहां से क्या करेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने की दे रहा है? 10% का। तो अगर 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 90 बटे, अब ये प्रॉफिट हो रहा है कितने का? ये 8% का। तो ये कितना हो जाएगा? 108। देखिए ये कट रहा है तो आप काट दीजिए, 18 से कटेंगे, 18 पच्चे 90 हो गया। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। तो कितने का रेशियो आ जाएगा? 5 और 6 का रेशियो आएगा। क्लियर है ना? अगर किसी वस्तु का जो है डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? वस्तु के सीपी और एमपी का रेशियो आप क्या पता कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी जब रेशियो लगाएंगे तो आपको रेशियो यही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? इन दोनों के बीच में जब रेशियो लगाएंगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर 10 हो गया, इधर 5, 2 से कटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, यही चीज आया कि नहीं आएगा? तो यही चीज हम लोगों ने डायरेक्ट सीखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सिर्फ देखकर भी आंसर कैसे बताएंगे, ऐसे ट्रिक में आपको बताया। क्लियर है? तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो निकालना, तो सीपी से ये एमपी का रेशियो, 5 रेशियो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? यही चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं क्वेश्चंस में आपको करके दिखा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप 9 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक दुकानदार 23% छूट देकर 21% का लाभ कमा लेता है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का क्या पूछा आपसे? अनुपात पूछा। आपसे पूछा क्या? सीपी
और एमपी के बीच में रेशियो आपसे पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, आपसे पूछे क्या सीपी और एमपी के बीच में रेशियो पूछे, तो जो पीछे फार्मूला मैंने बताया आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले को फिर से लिख दे रहा हूं, सीपी बटे ये एमपी मार्केट प्राइस, क्लियर है ना। ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये डिस्काउंट परसेंट बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आप लिख सकते हैं। यही तो फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया। अब इसमें रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। डिस्काउंट कितना दिया गया, छूट कितनी दी गई 23%। अगर आप इसमें से 23 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 77 बचेगा। अब ये प्रॉफिट जो है 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 121। देखिए 11 से कटेंगे तो आप काट दीजिए, 7 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा, 7:11। जो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 7:11 आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अब आगे के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला स्टेप करेंगे, क्लियर है ना। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट प्रदान करता है, इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात आपसे पूछा है। यानी सीपी से एमपी का मूल्य आपसे पूछा, यानी रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए यहां से ये छूट दिया है तो क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं। अगर आप छूट घटाएंगे, जब छूट घटाएंगे 100 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 90 मिलेगा। अब ये लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 120 में आपको जोड़ना होगा, तो 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा और ये 4। तो आप कह सकते हैं कि इनके और इनके बीच में रेशियो कितना आएगा, 3:4 आएगा। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आएगा, 3:4। ये जो बटा लिखा इसका मतलब यही होता है, सीपी रेशियो एमपी होता है। ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पे बेवजह लिखूंगा, मुझे पता है, तो इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट ये डायरेक्ट लाइन लिख दे रहा हूं, क्लियर है ना। यही इसका आंसर है, ये लाइन में यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको यहां पे डिनोट कर दे रहा हूं। 3:4 का मतलब होता है क्या, तो आप कहेंगे 3:4 होता है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% डिस्काउंट, 30% की छूट देने के बाद, यानी छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। मैंने क्या बोला था आपसे शुरू में ही बताया था, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर किसी क्वेश्चन में क्या दिया आपको, डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो आप पता कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहां से लिखिए सीपी बटे ये क्या हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा। ये छूट कितना दे रहा है, इतने की छूट दे रहा है, 100 में से घटाएंगे 30 तो बचा कितना, ये 70। अब ये क्या कर रहा है, इतने का लाभ कमा रहा है, तो नीचे 100 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, तो ये कट गया ये। अब ये देखिए 7 रुपए की चीज को यहां से जो क्रय मूल्य है वो 7 आया और मार्केट प्राइस कितना है, ये 12। तो हमसे पूछा कि दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 30% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे क्या हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए। अगर यहां से देखा है तो ये कितना अधिक अंकित कर रहा है, तो 0 से 0 कट गया, तो 7 है और ये 12 है। कितना ये बढ़ाकर अंकित करा, तो आप कहेंगे कि 5 ये बढ़ाकर कर रहा है, 7 और ये 5 12 रुपए क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यानी 12 रुपए क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो 5 रुपए तो ये बढ़ाकर लिख रहा है, कितने पर लिख रहा है, ये 7 रुपए पर। तो 7 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 100 से गुणा करना होगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करूं या इसके आगे 00 लगा दूं, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो 7 से 49 हो गया, 1 इधर गया, 7 एकम 7 बचा कितना, 3। 3 में 7 से भाग जाए कि नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 71 सही 3/7। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है
कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो मार्केट प्राइस आपसे पूछा अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, या आप इसे जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कर सकते हैं और फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो हम क्या करें, फार्मूले से ही सॉल्व कर ले रहे। तो हम क्या करें, सीपी से एमपी का रेशियो निकालते हैं। ये क्रय मूल्य दिया है, यानी सीपी का मान दिया, हमसे पूछा कि एमपी का मान बताना, मार्केट प्राइस बताना है। तो सीपी से तो एमपी का आप रेशियो निकाल सकते हैं, जो फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। अब ये छूट कितने की दर है, 22% का। अगर 100 में से 22 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, आपको 100 में जोड़ना होगा, तो 120 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये देखिए किससे कट रहा है, तो आप इसको काट के क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। अगर मैं इसका फैक्टर कर लूं, या देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से तो कट रहे हैं। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूं, ये 13 बार में कटेगा, और इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 × 12 यानी 20 बार में कटेगा। इतना क्लियर। देखिए सीपी का मान दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया, इतना दिया गया। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 650 दिया गया, दिया कि नहीं दिया। तो ये इसका कितना गुना है, या ऐसे कर लीजिए, अगर गुना वुना आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको गुना वुना नहीं करना है तो छोड़िए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चलेगा। आपको कितने का मान पता करना है, 20 यूनिट का मान पता कर, तो 20 का लाके इसमें आप मल्टीपल कर दीजिए। इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कट, 50 बार में कटेगा। अब इन दोनों का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 1000 रुपये आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, डी ऑप्शन का मैच करा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ये इसका कितना गुना है तो ये भी इसका उतना ही गुना होगा, ऐसे कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको फिर ऐसे बता दिया, 1 यूनिट का मान निकाल करके 20 यूनिट का पता करना है, मार्केट प्राइस पता करना है ना, तो इसमें लाके 20 से गुणा कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना दिया गया, 2000 रुपये। जिन्हें वो बेचना चाहता है उसी पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करा है, आप वैसे ही कर सकते हैं, या इसको आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा, आप फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व करके बताएंगे, फार्मूले से ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा था, ये सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2023 के सीजीएल में पूछा गया ये, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। तो आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सॉल्व करके बताना कि इन दोनों का आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन लिखी है, लेकिन ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, आपको ये बताना। कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सीपी दिया है, आपसे पूछा कि एमपी पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है। और यहां पे देखिए, यहां पे किसी वस्तु पर डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, सीपी से आप एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, जो पीछे मैं आपको बताया हूं। छूट कितने की दर आई, 10 का। 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 90, क्लियर है। अब ये लाभ कमा रहा है 25 का, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125। इन दोनों के बीच में अगर आप चाहें तो रेशियो लगा लीजिए, अगर ये कट रहे तो काट कर आप क्या करिए, इनको रेशियो लगा लीजिए। जब इन दोनों के बीच में रेशियो लगाएंगे, या रहने दीजिए, रेशियो नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ये देखिए हमको क्या पता चले, ये सीपी आया, ये हमको क्या है, सीपी आया, लेकिन क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया, इतना दिया है। तो आप करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो ये 360 है कितने का मान है, तो आप कहेंगे कि 90 का मान है। और कितने का पता करना आपको, 125 का। मार्केट प्राइस आपको पता करना है, ये वाला पता करना है, यही तो पता करना है, तो इसमें लाके गुणा कर दे, इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 बार में कटेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400, और ये कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा।
उसका जो एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपए है। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है ना, बेहद ही आसान है कि नहीं। एक से दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है, जो पीछे मैं आपको बता रहा हूं लगेगा उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आपको करना होगा। किसी रेडियो का अंकित मूल्य कितना, 480 रुपए। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% का मुनाफा कमाता है, यानी प्रॉफिट कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए, ये इसी लाइन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, जो पीछे हम लगा रहे थे मेथड तो वही है, लेकिन इसी लाइन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, आपसे ये पूछा। बस इसी लाइन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर हम लोग मान लें कि पहला इसका डिस्काउंट कितना है, अगर इसके लिए हम लोग फार्मूला अगर यूज करेंगे तो इसके लिए फार्मूला दूसरा आएगा। आप चाहे सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट D1। ये छूट कितने का दे रहा है, ये 10% का ये छूट दे रहा है, क्लियर। अब ये दूसरा, ये मुनाफा कितना का यानी प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो आप कहेंगे ये प्रॉफिट जो P1 8% का ये मुनाफा कमा रहा है, क्लियर है। फिर कह दिया अगर कोई डिस्काउंट न दिया जाए, अगर दो कोई डिस्काउंट न दिया जाए तो D2 यहां से क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। कोई डिस्काउंट न दिया इसका मतलब क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो उसे कितने परसेंट का मुनाफा होगा, आपसे ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, P2 का मान आपसे पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ। अगर कोई छूट न दी जाए तो इसका मतलब क्या है, D2 का मान 0 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सेम पीछे वाला ही फार्मूला है, 100 माइनस D1 100 माइनस D1 बटे 100 प्लस P1 बराबर 100 माइनस D2 बटे कितना हो जाएगा ये, 100 प्लस P2। यही तो मैं आपको पीछे क्वेश्चन से करवा रहा था कि नहीं करवा था, इस टाइप का करवा रहा था ना, यही तो आपका था CPCMP का रेशियो। अब देखिए इसमें जो जो दिया आप यहां पे रखेंगे, तो ये इसका मान दिया है, अगर आप इसको घटाएंगे, इसकी जगह 10 रखेंगे और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, 90, इतना क्लियर। अब ये कह दिया गया यानी इसका मान कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा, 108। अगर वो कोई डिस्काउंट न दे तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी D2 का मान कितना है, 0। D2 का मान कितना है, 0 है कि नहीं, तो आप यहां से 0 कर लीजिए बटे। अब यहां से इसी का तो मान आपसे पूछा है, तो ये 100 प्लस कितना हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, मुनाफा ने प्रॉफिट ये। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करके क्या करना, आपको P2 का मान निकालना, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 18 से कटेगा, 18 × 5 = 90 हो गया, और ये 18 × 6 = 108, क्लियर है ना इतना। अब देखिए इसका गुणा इधर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा प्लस 5P2 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 600। 500 और ये इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो 5P2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 आया। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं, P2 का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20% आ गया। तो कितने परसेंट का मुनाफा होगा, उसे 20% का मुनाफा होगा। सी ऑप्शन इसका मैच कर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, जो पीछे मैं आपको बता रहा था उससे थोड़ा सा ये चेंज है अब तक ना, अब तक ये क्या थोड़ा सा चेंज है। इतना क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, किसी वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको दे रही है, यानी सीपी से एमपी का रेशियो दिया है, सीपी से एमपी का रेशियो आपको दे दिया, ये इतना है, क्लियर है इतना। लाभ और वस्तु के लाभ और छूट का अनुपात आपको दिया है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो ये दिया है, तो आपसे पूछा कि वस्तु का छूट आपसे परसेंटेज में पूछा है। अब ये देखिए इसकी चाहे तो यानी ये लाभ और छूट दिया है ना, तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x कर लीजिए और इसको आप 2x कर लीजिए, क्लियर ना। यहां से जो हम लिखते थे, यहां से फार्मूला जो पीछे हम पढ़ते थे, सीपी बटे ये एमपी पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस डिस्काउंट, यही तो पीछे फार्मूला पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। इसका मान देखिए आपको दिया, इस लाइन का मान आपको दिया कितना, 2/3 है, तो हम लोग यहाँ पे रख ले रहे, 2/3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, बराबर 100 डिस्काउंट ये कितना दे रहा है, ये 2x की डिस्काउंट दे रहा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा बटे। अब यहां पे क्या ये प्रॉफिट है ना, तो 100 प्लस क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, और प्रॉफिट कितना, लाभ कितना हो रहा है इसे, 3x का लाभ हो रहा है, तो प्लस 3x कर लेंगे। अब देखिए 3x में गुणा करना, जब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये
200 हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 300 माइनस 6x। अब ये x x वाला टर्म एक साइड लाएंगे तो इधर 12x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 100 बचेगा। अब देखिए इसको अगर 12 से चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं या इसको यहां से ये कर सकते हैं कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50 कितना आ जाएगा, ये 100 बटे कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है? आपसे पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है ना, डिस्काउंट आपसे पूछा। इसको चाहे तो आप काट कर क्या करिए, छोटा कर लीजिए। अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 से कटेगा ना, तो ये 25 बटे कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। 25 बटे कितना आ गया, 3 आ गया, एक्स का मान आ गया। अब ये देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये छूट कितना, छूट का परसेंटेज पूछा है ना, तो छूट कितना यहाँ पे दे रहा है, यही तो छूट है, ये वाला छूट दे रहा। तो x का मान पता है इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, x का मान 50 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 25 बटे 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसको परसेंटेज में करना है तो इसको क्या करें, गुणा कर ले, तो 50 बटे कितना हो जाएगा, ये 3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 16 से ही 2/3 परसेंट में ये आएगा। ये तो सब परसेंटेज में ही आ रहा ना, यहाँ पे हमारा ये क्या होता था, परसेंटेज में होता था कि नहीं होता था, ये परसेंटेज में हमारा ये होता था। क्लियर है ना? तो इसका आंसर 16 से ही 2/3% आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला टाइप का है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए, और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए प्रश्न क्या कहा गया कि एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करता है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% की दो क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि दोनों के बिलों का अंतर कितना है, 43 रुपए है, तो कमीज का मूल्य कितना, आपसे ये पूछा गया है। एक दुकानदार जो ये 50% का डिस्काउंट दे रहा है और जो दूसरा दुकानदार है 30-30% का ये डिस्काउंट दे रहा है, और दोनों में बिलों में कितने का अंतर पाया गया, इतने का अंतर पाया गया, तो आपसे पूछा गया कमीज का मूल्य कितना है। देखिए सबसे पहले ये जो 50% है पहला दुकानदार दे रहा है, अब ये जो दूसरा दुकानदार है 30% का डिस्काउंट दे रहा है, इन दोनों का सक्सेसिव निकाल कर क्या करेंगे, 1% के बराबर करेंगे। तो जब इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, और सक्सेसिव मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो क्लिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने क्या तरीका बताया था, इन दोनों को जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, और इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900 हो गया। 900 में आपको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ गया, 51% है। ये कितना आएगा, ये 51% आएगा। अगर यहां से देखा है तो दोनों के परसेंटेज में कितने का छूट में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 1% का अंतर है, दोनों की छूट में कितने का अंतर है, 1% का अंतर है। लेकिन बिल में अंतर कितने का आ गया, 43 रुपए का, 1% के बराबर ही तो बिल में ये अंतर आ रहा है, तो आप यहां से कर लीजिए 1% का मान कितना है, ये 43। तो जो कमीज रही होगी इसका मान अपने आप पे 100% रहा होगा, तो 100% करने के लिए 100 से इसमें गुणा कर दो, 100 से इसमें गुणा कर दो, तो 100 से इधर भी तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 4300 रुपए आएगा। कमीज का जो मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 4300 रुपए आएगा। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना? ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर आपसे पूछा है। यानी 50,000 रुपए किसी वस्तु का प्राइस है, अब यहाँ पे एक छूट ये हो गई और ये दोनों छूटे हुए, तो दोनों में कितने का अंतर आएगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले दुकानदार, जो पहला दुकानदार है 40% दे रहा, दूसरा दुकानदार ये दो छूट लगा रहा है, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आपको 100 से डिवाइड करना है और इसमें से घटा लेंगे। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये 4/2 कितना आ जाएगा, इतना आ गया। क्लियर है? अब इसको यहां से जब गुणा करेंगे तो 4×6=24 हो गया, और 4×3=12, और कितना 14। नीचे देखिए 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 रुपए 10 मूल। इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना आ गया, 1.44 आया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, अगर मैं इसको मान लो 2 मान लू, तो इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 38.66 आएगा।
क्लियर। दोनों के परसेंटेज अगर ध्यान से देखेंगे तो कितने परसेंट का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 1.44% का अंतर है। तो रुपए में भी तो यही अंतर आएगा। तो पूरे धन का जो प्राइस दिया गया, वस्तु का जो प्राइस है, इसका क्या करेंगे आप, ये निकाल लेंगे 1.44% निकाल लीजिए, तो आपको जो बिल है उसमें, यानी दो करोड़ जो छोटे, उसमें अंतर आपको पता चल जाएगा। तो जो प्राइस है छोटे में देखें परसेंटेज में कितने का अंतर है, ये इतने का अंतर है, परसेंटेज में अंतर है, लेकिन हमको रुपए में छूट बताना है। तो जो अमाउंट है इसका क्या करेंगे आप, इतना परसेंट निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे बटा कितना हो जाएगा 100। ये देखिए 00 से ये 00 कट गया, अब ये दो पे दशमलव, तो इसके जीरो को भी क्या कर देगा, ये फिनिश कर देगा। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है, अब डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 5 × 20 हो गया, 5 × 20 तो कितना 22 हो गया, इसका गुणा करेंगे 5 कितना हो जाएगा 720। तो अंतर कितने का, दोनों के विलो में कितने का अंतर आएगा, 720 रुपए का अंतर आएगा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। और ये जो क्वेश्चन है सेम जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताया था, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे ये 30% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, ये 30% की दो क्रमिक ये छूट दे रहा है। तो आपसे पूछा कि दोनों के विल में, दोनों क्या पूछा हमसे, विल की राशि पूछे, यानी सीपी पूछा, वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, क्लियर है ना। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना है। सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, फिर अब यहां से दोनों का अंतर करेंगे, सक्सेसिव निकालने के बाद यहां से अंतर करेंगे, जो भी अंतर आएगा परसेंटेज में, और यहां पे भी अंतर दिया, इसमें भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डिस्काउंट चैप्टर जो है ये पूरी तरह से फिनिश हो गया।